समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की एक बार फिर तबीयत अचानक खराब हो गई है। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। यहीं पर उन्होंने 30 दिन पहले कोरोना की पहली डोज ली थी। बेचैनी की शिकायत बढ़ जाने के बाद से उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फोन पर अखिलेश से बात कर उनके पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। हॉस्पिटल में मुलायम के सभी टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें से काफी टेस्ट हो चुके हैं और कुछ अभी होने बाकी हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर ही कुछ साफ हो पाएगा कि आखिर उन्हें क्या परेशानी है। सपा संरक्षक लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। मुलायम सिंह को अक्सर पेट में दर्द की शिकायत रहती है। हाल के दिनों में कई बार वो अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। इसी साल मई में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। पेट में दर्द की शिकायत के बाद उनको मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बीते दिसंबर महीने में भी मुलायम सिंह को पेट में शिकायत के बाद मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे भी पहले अगस्त में भी उन्हें भर्ती कराया गया था। नवंबर 2019 में मुलायम सिंह यादव को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जून 2019 में भी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उनको गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त उनको यूरिनरी रिटेंशन की शिकायत बताई गई थी। न्यूज़ डेस्क।